70वीं जयंती है। इस मौके पर आज हम आपको करीब 34 साल पुरानी एक ऐसी जगह पर ले चलेंगे जहां पर राजीव गांधी आए थे। एक ऐसे गांव में आपको लिए चलेंगे जिसे राजीव गांधी ने गोद लिया था। एक ऐसी आदिवासी महिला से आपको मिलवाएंगे जिसके हाथों से तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तेंदू का स्वाद चखा था। कहानी एक ऐसे गांव की जहां भारत रत्न राजीव आज भी जीवित हैं। इस बूढ़ी आंखों में, उन यादों में जिसे संजोए रखा है, बल्कि बल्दी बाई ने कहानी एक ऐसी प्रधानमंत्री जी और अपनी हुकूमत से 1500 किलोमीटर दूर तक के दूरस्थ आदिवासी अंचल में वहां की जनजातियों की दुर्दशा पर एक रिपोर्ट पढ़कर आ गए हैं। ये राजीव गांधी की प्रतिमा है, भारत रत्न राजीव गांधी की प्रतिमा। ये इस गांव में स्थापित है जहां प्रधानमंत्री रहते राजीव गांधी पहुंचे थे। वह भी महज एक खबर पर संज्ञान लेते हुए। वहां आप उस दौर की पत्रकारिता को भी जानिए जब खबर और पत्रकार की अहमियत इतनी होती थी कि उनकी खबरें प्रधानमंत्री तक को उस पर संज्ञान लेने पर मजबूर कर देती थी। राजीव गांधी भी छत्तीसगढ़ में ऐसे एक खबर पर संज्ञान लेकर गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट पहुंच गए थे। खबर थी जनजातियों की दुर्दशा पर। रिपोर्ट तैयार की थी प्रदेश के प्रख्यात पत्रकार रहे राजनारायण मिश्र ने। बात सन 1985-86 की है। राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया गांधी और मोतीलाल वोरा को साथ लेकर गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट पहुंचे। राजीव गांधी ने कुल्हाड़ी घाट को गोद लेने का ऐलान किया। समय के साथ गांव की तस्वीरें तो कुछ हद तक बदली, लेकिन उतनी नहीं जिसकी उम्मीद एक प्रधानमंत्री के दौरे के बाद से गांव वालों ने लगाई थी। हालांकि अब भूपेश सरकार के आने के बाद गांव की तस्वीर और तकदीर फिर से बदलने लगी है। सरकार के निर्देश के बाद अब गांव में अनेक तरह के विकास कार्यों की शुरुआत हो गई। 1985 में जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कुल्हाड़ी घाट आए थे, तो वहाँ बल्दी बाई है, कमार जनजाति के हैं, जिसके यहाँ उन्होंने भोजन किया था, तनमूल फल खाए थे। कुल्हाड़ी घाट के लिए छत्तीसगढ़ शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय प्रभारी मंत्री जी की ओर से काफी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। सरकार की जो ग्राम सुराजी योजना है, अपना नरवा दरवा घुरवा भाई, उनके तहत भी हम लोग कुल्हाड़ी घाट में बेहतर काम कर रहे हैं और वहां पर हमारा गौठान भी संचालित हो रहा है। आइए उस आदिवासी महिला से मिलवाते हैं जिसकी बूढ़ी आंखों में आज भी राजीव गांधी जीवित हैं। नाम बल्दी बाई। बल्दी बाई 95 साल की हो गई हैं, लेकिन 34 साल पहले राजीव और सोनिया गांधी के साथ गुजारे गए वक्त का सारा वाक्य उसे आज भी याद है। ये वही बल्दी बाई हैं जिसके हाथों से सोनिया गांधी और राजीव गांधी ने तेंदू के स्वाद चखे थे। बल्दी की आवाज में अब पहले जैसी खनक तो नहीं, लेकिन फिर भी वह उन दिनों की बातें अब तक नहीं भूली। वास्तव में राजीव गांधी की तरह बहुत कम ही ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं जो जनजातियों की दुर्दशा की रिपोर्ट पढ़कर उनसे मिलने आ जाएं, उनके साथ वक्त बिताएं, उनके हाथों से कुछ खाएं। फिलहाल कुल्हाड़ी घाट की सुध भूपेश सरकार ने ले ली है। गांव में विकास कार्य शुरू हो गए हैं। नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत आदर्श गोठान के साथ अन्य कार्यों को गति मिल गई है। भूपेश सरकार ने गांव वालों से वादा किया है कि राजीव गांधी की यादों का प्रतीक यह गांव सबसे विकसित गांव होगा। कुल्हाड़ी घाट में अब सिर्फ विकास की बात होगी, आदिवासियों के लिए ढेरों सौगात होगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से वैभव पांडे की रिपोर्ट। रायपुर से।